नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल अलग अलग तरह से हर घर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कभी इसका शरबत बनाकर करते हैं, तो कई लोग सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो कोई कई कई लोग इसे बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। इसमें विटामिन सी और विटामिन बी काफी मात्रा में होता है, जिससे यह हमारे बालों से लेकर त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने में काफी उपयोगी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, नींबू का रस बालों के लिए औषधि की तरह काम करता है, जो कई सालों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इससे बालों की कई समस्याएं जैसे बालों का झड़ना, डैंड्रफ आदि से छुटकारा मिल सकता है। इसे विश्व भर में इस्तेमाल किया जाता है और कई महिलाएं इसके असरकार होने का प्रमाण भी दे चुकी हैं। नींबू का रस आपके बालों की सुंदरता को और समस्याओं को दूर करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप नींबू में दो चीजें और ऐड कर लीजिए, उसकी मदद से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और बालों को मोटा, काला, लंबा और घना बना सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो दोस्तों, बालों को झड़ने से रोकता है ये नींबू, और नींबू के रस में भारी मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके बालों को मजबूत करते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं और बालों को पोषण देते हैं। तो चलिए हम नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जरूरत पड़ेगी शैम्पू की। तो दोस्तों, आप डव शैम्पू ले लीजिए। डव शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक ये पूरा पाउच में डव शैम्पू का इसमें ले लूंगा, क्योंकि डव शैम्पू हमारे बालों को डल हेयर के लिए साइन और साइन करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से डब शैम्पू मैं ले लूंगा। अब दोस्तों, आपको लेना है नींबू। नींबू जितना फायदेमंद हमारे चेहरे के लिए होता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है और ये हमारे चेहरे को इस गंदगी को साफ करता है, उसी प्रकार ये बालों में बालों को पोषण देता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और जो बालों की जड़ों की जो हमारी स्कैल्प होती है, सिर की त्वचा जो होती है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। अब दोस्तों, लास्ट में इसमें हमें चाहिए नारियल का तेल। आपके पास पैराशूट का या पतंजलि का कोई भी नारियल का तेल हो चल जाएगा, आपको जो आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक चम्मच में इसमें नारियल का तेल ऐड कर दूंगा। देखिए, नारियल का तेल इसमें ऐड हो गया है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों को काला, मोटा, घना करने के लिए इसका प्रयोग आप हफ्ते में एक बार कर लीजिए, काफी है। दोस्तों, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल का तेल हमारे बालों को बहुत अच्छा पोषण देता है और बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है। नींबू बालों को टूटने से रोकता है और बालों को पोषण देता है, और डव शैम्पू हमारे बालों को अच्छी तरीके से सफाई करेगा। बालों के हमारी जो स्कैल्प है उनमें धूल मिट्टी और गंदगी है जड़ों में, उसको डव शैम्पू साफ कर देगा। अब दोस्तों, इससे आपको अपने बालों को धोना है। तो आपको बालों को धोने से पहले आपको करना क्या है कि आपको हल्के हल्के हाथों से अपने सिर की बालों की जड़ों में मसाज करनी है। जब आपके पूरे सर के बालों की जड़ में मसाज हो जाए, इस तरीके से आप कर लीजिए, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और फिर इससे शैम्पू कर लीजिए आप इस पेस्ट से। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे, आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।